कोटेदारों ने विरोध दिवस मांग महोत्सव मनाकर किया सरकार के खिलाफ धरना। नमस्कार, एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कोटेदारों का यह कहना है कि हमारा कमीशन जो 70 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा था उसे बढ़ाकर 300 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए और हमारा 2001 से लेकर 2021 तक जो भी एमडीएम का किराया बाकी पड़ा है उसे भुगतान किया जाए और जो हम लोगों को खाद्यान्न उठाने के लिए पैसा जमा कर लिए हैं उसका भी भुगतान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सारे कोटेदार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे और सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। हम सारे कोटेदार के पास जो भी पैसे हैं और सारे पैसे हम खाद्यान्न उठाने में लगा देते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को ना ही वह पैसा मिल रहा है और ना ही हम लोगों को सही तरीके से कमीशन मिल रहा है। ऐसे में हम अपना परिवार कैसे चलाएं, इसी को लेकर हमने धरना देने का मन बनाया है। कोटा विरोध दिवस मना रहे हैं, किस मामले को लेकर आप लोग कोटा दिवस विरोध मना रहे हैं? देखिए सर, हम लोग 5 अगस्त को जी अन्न महोत्सव मनाया जी सरकार की तरफ से जी, ठीक है, बड़ा ईमानदारी गल्ला भी बांट रहे हैं जी इस कोरोना काल में जी, ठीक है। तो आज हम मना रहे हैं 5 सितंबर अन्न उत्सव मना रहे हैं सर। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित दिनांक आज 5 सितंबर 2021 को कोटेदार विरोध दिवस मांग महोत्सव मना रहे हैं सर, ठीक है सर जी। और हमारा एक सवाल समय उत्तर प्रदेश के कोटेदारों का कमीशन 300 रुपया प्रति कुंटल किया जाए सर, जो कि हमको 70 रुपया कुंटल दिया जा रहा है सर जी। उसमें हम कोटेदारों को भला नहीं हो रहा है सर जी, हमारे जो घर पे फैमिली है उसको हम नहीं चला पा रहे हैं सर। नंबर दो, उत्तर प्रदेश के कोटेदारों का एमडीएम लाभांश एवं भाड़ा शासन द्वारा निर्धारित NFSA की दर पर किया जाए जी। दर पर किया जाए सर। और आप लोग को कितने दिनों से भाड़ा नहीं दिया गया है सर? 2001 से नहीं भाड़ा दिया जा रहा है सर, एमडीएम का कोई भी भाड़ा नहीं दिया गया, कोई भी भाड़ा नहीं दिया गया सर। और कौन सी मांग है आप लोग की? और हम लोग की सर यही मांग है, अरे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि मतलब हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, जरा कोटेदारों की तरफ भी ध्यान दिया जाए सरकार को जी। इस महामारी कोरोना काल में हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके गल्ला वितरण किए महीने में 2 बार सर। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी का इंतकाल हो जाता कोरोना काल में तो उसको भत्ता दिया जाता सर जी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं सर, अगर हम लोग मर जाए तो कोई देखने वाला नहीं सर। तो हम भी तो कोई सरकार के अंदर ही काम करते ना सर, तो हमारा भी जिम्मेदारी रखना चाहिए सरकार को। आप सभी कोटेदार इसी को लेकर धरना दे रहे हैं जी, सभी लोग धरना दे रहे हैं इसी को लेकर। यूएफटी न्यूज 24 के लिए राहुल वर्मा की रिपोर्ट।